हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झासर एकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे? आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की, और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारी यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे, सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी, और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झासर एकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट? और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झासर एकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा। जो जिन पेड कोर्सेज को झासर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं, जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है, झासर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट? तो आप इन कोर्सेज को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झासर एकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और हमारा एक ऐप भी है झासर एकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइस जरूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, और वेबसाइट भी अवेलेबल है, उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट? सो गाइज, झासर एकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स के इस डेमो लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स की बुक, और उसमें हम स्टार्ट करेंगे आज का पहला लेक्चर। आज के लेक्चर में हम पहले दो चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं। पहला चैप्टर जो बेसिक्स हमारा एक मतलब बेसिक्स क्लियर करता है कि इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन मतलब वो क्या होता है, और दूसरे चैप्टर में जो अनएम्प्लॉयमेंट और ऐसा जो एस्पेक्ट्स होते हैं इकोनॉमी के वो कवर किए जाएंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर क्लास 9th की एनसीईआरटी से, ठीक है? चलिए, पहला चैप्टर आता है द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मतलब बेसिक्स इकोनॉमी मतलब एग्रीकल्चर और ये प्रोडक्शन क्या होता है, उसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है? रूरल इकोनॉमी और उसके जो एस्पेक्ट्स होते हैं मतलब एग्रीकल्चर, रूरल इकोनॉमी में ज़्यादा प्रीवेलेंट होता है एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन जो होता है वो अर्बन एरिया में ज़्यादा प्रीवेलेंट होता है, ये सब एस्पेक्ट्स हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। उत्पादन का मतलब क्या है कि जो वस्तुएं और सेवाएं होती है उसको उत्पादन करना, मतलब ये समर टाइम में अगर कूलिंग चाहिए तो जो एसी आता है एयर कंडीशनर उसको बनाना पड़ता है, ठीक है? तो वो क्या होता है उसको बनाने की प्रोसेस जो होती है उसको हम उत्पादन बोलते हैं, मतलब प्रोडक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है?
और इस प्रोडक्शन की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। जाहिर सी बात है, किसी भी चीज़ को हमें अगर कंप्लीट करना हो तो उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स होंगे और आवश्यकताएं होंगी, जिसके बिना वो प्रोसेस पूरी नहीं हो पाएगी। उसके क्या रिक्वायरमेंट्स है? पहली है भूमि, लैंड। इसी हमारी लैंड होगी, उसी पर हम प्रोडक्शन कर पाएंगे ना, कहीं पर भी तो प्रोडक्शन हम शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहली आवश्यकता है भूमि। दूसरा आता है भूमि के बाद श्रम, मतलब लेबर। हमें जाहिर सी बात है, लेबर भी चाहिए प्रोडक्शन के लिए। बिना इंसान की जो इन्वॉल्वमेंट है, उसके बिना भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तीसरा आता है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में टाइप्स होते हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। और चौथा आता है नॉलेज एंड इंटेलिजेंस, मतलब हमें इंसान की इंटेलिजेंस चाहिए। बिना इंटेलिजेंस के भी हम कुछ नहीं बना सकते, डिजाइन भी करना तो पड़ेगा ना हमें किसी भी चीज़ का, तभी हम उसको बना पाएंगे, तभी हम उसकी प्रोसेस क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ज्ञान और बुद्धि भी आती है, इसको हम मानव संसाधन बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं फिजिकल कैपिटल के जो टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है, इसको हम स्थिर पूंजी बोलते हैं, और दूसरी आती है कार्यशील पूंजी। स्थिर पूंजी में क्या होता है कि उनका उपयोग हम कई वर्षों तक कर सकते हैं, जैसे कि मशीनें है, औजार है, टर्बाइन्स है, कंप्यूटर्स है। हम देखते हैं कंप्यूटर्स का उपयोग ऑफिसों में कई मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक किया जाता है, वो सर्विस अपनी देते रहते हैं, ठीक है। उनका उपयोग नहीं हो जाता, कंज्यूम नहीं हो जाते वो। जबकि कार्यशील पूंजी में क्या आते हैं, जो एग्जॉस्टिव है, मतलब जो उपयोग के साथ साथ खत्म होते जाते हैं, जैसे कि कच्चा माल, रॉ मटेरियल। जैसे जैसे हम उत्पादन करते जाते हैं, उससे इस वैसे वैसे कच्चा माल जो रॉ मटेरियल है वो कम होता जाएगा, ठीक है, और अंत में वो खत्म हो जाएगा, उसमें से कोई प्रोडक्ट बन जाएगी। दूसरा होता है पैसा। जाहिर सी बात है, प्रोडक्शन में पैसा तो लगेगा, ठीक है। जो हमारे हाथ में पैसा होता है प्रोडक्शन के वक्त, वो यूज होता जाता है। जैसे जैसे प्रोडक्शन होता जाता है, वैसे वैसे जो पैसा होता है वो कम होता जाता है, ठीक है। तो इस कार्यशील पूंजी में हमने क्या देखा, दो चीज़ें हैं, एक तो पैसा मतलब मनी, दूसरा है रॉ मटेरियल, ठीक है। तो और कितने कैपिटल हुए, दो कैपिटल, स्थिर पूंजी मतलब भौतिक पूंजी में स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी, ठीक है। तो ये थे कि फिजिकल कैपिटल के दो सब टाइप्स, ठीक है। और बाद में था ह्यूमन रिसोर्स, मतलब जो भी हमारा ह्यूमन कैपिटल होता है कंट्री का, वो जो कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन में, उनको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। चलिए तो ये फोर फैक्टर्स है, ये एसेंशियल होते हैं किसी भी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए। प्रोडक्शन को स्टार्ट कर, उसके बिना प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती। अगर आप सोच लीजिए कि अगर आपके पास लैंड नहीं है, बाकी सब कुछ है लेकिन लैंड नहीं है, तो क्या आप क्या करेंगे, अब हवा में तो नहीं बना सकेंगे, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें एसेंशियल होती है, ठीक है, और इनका बैलेंस होना भी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा तीन फैक्टर्स आपके पास बहुत ज़्यादा है, चौथा फैक्टर बहुत ही कम मात्रा में, तो तीन फैक्टर का आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे ऑप्टिमम तरीके से, ठीक है। तो इन चारों का बैलेंस भी होना बहुत ज़रूरी है, इन चारों का अवेलेबल होना भी बहुत ज़रूरी है, इन चारों का बैलेंस होना भी बहुत ही ज़रूरी होता है प्रोडक्शन की प्रक्रिया में, उत्पादन की प्रक्रिया में, ठीक है। अब आता है एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारे GS3 इकोनॉमिक्स का, ठीक है। और इसमें हम बेसिक्स ही पढ़ेंगे, मतलब आगे जाके जो भी हमारा एडवांस लर्निंग है वो होगा। अभी हम जो कृषि का जो बेसिक्स पार्ट है, जो रूरल एरिया के साथ इसका जो कनेक्शन है, वो सब हम पढ़ेंगे। चलिए, हमने देखा कि जो रूरल एरिया होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, उसमें एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी होती है, प्राथमिक गतिविधि होती है। मतलब हर कोई लोग, मतलब अब लोग ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में ही जो जुड़े रहते हैं रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम क्या है कृषि का, कि जो लैंड होती है ना वो फिक्स्ड होती है, ये एक कंस्ट्रेंट है इसका। मतलब अगर किसी किसान के पास 2 बीघा ज़मीन है, तो वो 2 बीघा ज़मीन किसी रबर बैंड की तरह 3 बीघा तो नहीं हो जाएगी लंबी होके, ठीक है। तो लैंड होती है ना वो फिक्स्ड होती है, ये एक रिसोर्स फिक्स्ड हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फार्मर्स है तो टेक्निकली वो ज़्यादा कल्टीवेट तो नहीं कर पाएंगे, 2 बीघा में जितना वो कल्टीवेट करेंगे उतना होगा, इसमें 3 बीघा का तो कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक उनकी सीरियस लिमिटेशन हुई, ठीक है। इससे जो फार्मर होते हैं उनको उनके ऊपर एक कंस्ट्रेंट आ जाती है, एक बाधा आ जाती है, ठीक है। पर फिर भी ये इसमें रास्ते हैं जिसके हिसाब से फार्मर्स जो होते हैं वो आउटपुट इसका बढ़ा सकते हैं, किसका, लैंड का, ठीक है।
जो भी कल्टीवेशन होता है वो बढ़ा सकते हैं और भी बिना जमीन बिना जो लैंड होती है उसको बढ़ाए जो आउटपुट होता है उसको बढ़ा सकता है। कैसे करते हैं ये, उसके दो मेथड्स है। एक होता है मल्टी क्रॉपिंग। मल्टी क्रॉपिंग का मतलब क्या है, एक ईयर में जो एक बार जो कल्टीवेशन एक बार हार्वेस्ट ना लेके दो तीन बार हार्वेस्ट लेना, ठीक है। मतलब हमने देखा है वो जो राबी क्रॉप होते खरीफ क्रॉप होते एक ही जमीन में मतलब दो तीन बार जो फार्मर्स होते हैं वो हार्वेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ मल्टी क्रॉपिंग। इससे क्या होता है, उत्पादन बढ़ता है, जो भी हमारा कल्टीवेशन का उत्पादन होता है वो बढ़ता है। दूसरी टेक्निक क्या है कि मॉडर्न टेक्निक का यूज करना। मतलब आज हम कई मॉडर्न टेक्निक है हमारे पास, हायर यील्ड वाले सीड है, मतलब जो बीज होते हैं वो हाई यील्ड करते हैं, क्रॉप ड्रॉट रेजिस्टेंस सीड होते हैं, ठीक है। ये सब कुछ आप लिख भी सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं इससे। ये सब कुछ आपको GS3 में इंपॉर्टेंट रहता है। GS3 में ये सब कुछ जो फैक्टर्स होते हैं ड्रॉट रेजिस्टेंस सीड्स हाई यील्ड वेराइटी वाले सीड्स, ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रहता है हमारे GS3 मेंस के हिसाब से भी, ठीक है। और नई नई जो टेक्नोलॉजी आती है, इरीगेशन टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, इन सब का उपयोग करके जो जो फार्मर्स होते हैं वो अधिक उपज ला सकते हैं जो भी अपनी ज़मीन हो उसमें। इस मॉडर्न टेक्निक्स में अभी हम आगे देखते हैं कौन सी चीज़ों का यूज हो सकता है। देखिए इन मॉडर्न टेक्निक्स में पहले तो जैसे हमने बोला कि HYV सीड्स, मतलब हाई यील्ड वेराइटी सीड्स। इससे क्या होता है कि जो हमारी यील्ड होती है ना, मतलब जो हार्वेस्ट होती है एंड में, वो ज़्यादा मिलती है ट्रेडिशनल सीड्स से, ठीक है। दूसरा होता है फर्टिलाइजर। हमने देखा कि जो NPK फर्टिलाइजर्स आते हैं और जो सोइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, ठीक है। इससे भी क्या होता है कि हमारा जो यील्ड है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और बाद में आता है पेस्टिसाइड, जो पेस्ट होते हैं उनको वो किल कर देता है। तो इससे क्या होता है, हमारा क्रॉप जो होता है वो सेफ हो जाता है, मतलब उनको क्रॉप को सेफ्टी मिलती है और उत्पादन हमारा बढ़ता है। बाद में आता है इरीगेशन। जैसे कि हमें पता है कि हमारे कंट्री का जो एग्रीकल्चर है वो मानसून पे बहुत ही निर्भर रहता है, ठीक है। तो एक एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम भी हमारे कंट्री में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिना अगर सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक अगर जो ड्रॉट हुआ है ना, तो कभी कभी कंट्री में फेमिन भी आ सकता है। ऐसे केसेस हुए हैं पास्ट में, ठीक है। तो इरीगेशन हमारे कंट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। तो इरीगेशन में एक एफिशिएंट सिस्टम हमारे कंट्री में लाना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा आता है फार्म मशीनरी, मतलब ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर्स, मतलब जो मॉडर्न मशीनरी है उनका यूज़ करके हम टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं इसकी, उससे हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ता है, ठीक है। चलिए, पर इसकी इन चीज़ों का यूज़ करने का एक डाउनसाइड भी है, मतलब डाउनसाइड मतलब उसका कुछ नकारात्मक पहलू है, ठीक है, जो हम डिसएडवांटेज बोलते हैं और हम लिमिटेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था जो 1960s के बाद, और ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो सोइल फर्टिलिटी थी ना वो कम हो गई। क्यों? क्योंकि एक्सेसिव यूज हुआ था फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो ग्राउंड वाटर था उनका भी बहुत ज़्यादा यूज हुआ, जो ग्राउंड वाटर टेबल था वो भी गिर गया। ये ग्राउंड वाटर टेबल का क्राइसिस आज भी इंडिया में प्रिवेलेंट है, जो और वो पंजाब और हरियाणा के साइड तो बहुत ही ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसके जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो ग्राउंड वाटर जो होता है ना उसको पोल्यूट भी करते हैं, जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और जो भी पोटेशियम और जो उस दूसरे जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो उसको पोल्यूट करते हैं, और जो बैक्टीरिया होते हैं ना जो सॉइल में उसको भी किल कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, और मतलब ये फर्टिलाइजर से क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म में प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया को किल करता है। तो लॉन्ग टर्म में जो सॉइल होती है ना उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, उर्वरकता जो होती है वो कम हो जाती है लॉन्ग रन में, ठीक है। चलिए, मतलब ये इसके नकारात्मक पहलू थे। और आज भी हमारा एक देश में एक कंडीशन पनप रही है कि हमारे जो 85% ऑफ फार्मर्स है ना, एक टोटल फार्मर के 85% वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, मतलब छोटे फार्मर्स, उनके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं होती ना। अमेरिका मैं आपको उदाहरण दूं कि अमेरिका के जो फार्मर्स होते हैं ना वो एक बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं। अमेरिका के फार्मर्स, उनके पास बहुत बड़ी ज़मीन होती है और वो एक कॉरपोरेट्स की तरह काम करते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता, जो फार्मर्स होते हैं हमने देखा है वो बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं, ठीक है, और स्मॉल और मार्जिनल होते हैं। स्मॉल और मार्जिनल का स्टेटिस्टिकल जो डेफिनेशन है वो क्या है कि उनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन होंगी, ठीक है।
तो इसका एक और मतलब क्या हुआ कि लार्ज जो जमीन है, लार्ज चंक ऑफ जमीन है, वो छोटे छोटे हिस्सों में बहुत ज्यादा नंबर फार्मर्स के पास जो मतलब क्लासिफिकेशन हुआ है इनका, वो स्केटर है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरी हुई है जो नंबर ऑफ किसानों के पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ किसान है उनके पास छोटी छोटी जमीन है, कम नंबर के किसानों के पास बड़ी जमीन नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, इसका एक स्टेटिस्टिकल डेटा है कि जो कल्टीवेटेड एरिया है और नंबर ऑफ फार्मर्स, ठीक है। तो ये है जो 55.4% जो कल्टीवेटेड डेटा है वो 15% जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स है उनके पास है, और जो 44.6% जो कल्टीवेबल एरिया है, कल्टीवेटेड एरिया है, वो 85% फार्मर्स के पास है। देखिए ये एक तरह की इनइक्वालिटी हुई है, छोटी जमीन वो बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ फार्मर्स के पास है। उसका मतलब क्या हुआ कि उनके पास छोटे छोटे टुकड़े होंगे जमीनों के, ठीक है। एक तरह से ये इस कारण से भी वो पुअर रहते हैं, क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं होता कि वो ज्यादा प्रॉफिट कर पाए और ज्यादा अपनी जो भी लाइफस्टाइल है उसको आगे ला पाए, ठीक है। तो ये भी एक तरह की इनइक्वालिटी हो गई हमारी कंट्री में। चलिए, और दूसरा एक फार्मिंग का एक पहलू क्या है कि फार्मिंग एक लेबर इंटेंसिव होता है, ये श्रम प्रधान क्षेत्र है। मतलब आपने देखा होगा कि जो भी खेती होती है उसमें बहुत ही ज्यादा जो मजदूर होते हैं वो काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि एक लेबर इंटेंसिव हुआ, तो लार्ज नंबर ऑफ लेबर रिक्वायर होता है उसमें, जो भी मतलब ज्यादा नंबर में बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि उन जो श्रमिक होते हैं उनको फसलों पर उनका कोई अधिकार नहीं होता, लेकिन उन्हें पैसे दिए जाते हैं, मतलब सैलरी या वेजी सब कह सकते हैं इस तरह से, ठीक है। या पैसों में भी हो सकता है या फिर जो काइंड में, मतलब वस्तु में, यानी कि जो भी क्रॉप को जिस क्रॉप के लिए वो काम कर रहे हैं उसी क्रॉप में उनको वेजेस दिए जाते हैं, ठीक है। मतलब ये पैसों से भी आ सकता है और क्रॉप से भी उसको पे कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो रेगुलर बेसिस होता है उस पर भी वो एम्प्लॉयड हो सकते हैं या पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे भी एम्प्लॉय हो सकते हैं जो भी मजदूर होते हैं वो। रेगुलर बेसिस का मतलब क्या है कि वो ईयर राउंड काम करते हैं उसी खेत में। पर्टिकुलर टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि जो सपोज किसी क्रॉप है उसका हार्वेस्ट टाइम के वक्त किसान ने उनको एम्प्लॉय कर दिया, वो उस टाइम के लिए वो वहाँ पे एम्प्लॉयड होंगे, उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद वो वहाँ पे एम्प्लॉय नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये मतलब ये दो तरह की एम्प्लॉयमेंट हुई उनकी एग्रीकल्चर में। चलिए, अब ये लार्ज लेबर के साथ लार्ज कैपिटल भी चाहिए फार्मिंग एक्टिविटी में। हमें पता है कि ये सीड जो होते हैं, मशीनरी, ट्रैक्टर की मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सबमर्सिबल पंप्स जो होते हैं, हमें वेल में से पानी निकालने के लिए वाटर के लिए जो खर्च होता है वो सब अगर हम देखा जाए एक तरह से इन सब का हम सम करें तो ये एंड में बहुत बड़ा होता है। मतलब ये लार्ज कैपिटल चाहिए इसमें कृषि में, ठीक है। तो ये तो स्मॉल फार्मर्स का प्रॉब्लम हो जाता है। स्मॉल फार्मर्स को क्या होता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते, उनको बोरो करने पड़ते हैं, ठीक है। बोरो भी हमारी गवर्नमेंट इसीलिए तो सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट को पता है कि ये छोटे फार्मर्स होते हैं ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इतनी ज्यादा कैपिटल को, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट हमारी सब्सिडी देती है। स्मॉल फार्मर्स बोरो करते हैं मनी लेंडर से और लार्ज फार्मर का क्या होता है कि उनके पास तो सेविंग होता है, उनके पास ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो उनका प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, तो उनके पास तो वो जो कैपिटल होता है वो रहता है, लेकिन स्मॉल फार्मर्स का ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब इसमें क्या होता है और आगे उसकी एक कंडीशन भी क्या होती है कि लेबर का जो होता है जो श्रम वो प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होता है। क्यों? क्योंकि गांव में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है वो कम रहती है, तो लोग क्या करते हैं कि जो भी काम मिले उनमें लग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें इससे क्या होता है, जो लेबर होता है वो प्रचुर मात्रा में अवेलेबल रहता है, लेबर जो होता है। तो इससे जो प्रचुर मात्रा में लेबर होता है तब क्या होगा, उनको वेजेस बहुत ही कम, क्योंकि अगर कोई लेबर बहुत ज्यादा वेज कमाने की मांग करेगा तो क्या होगा कि जो भी किसान होगा उसको निकाल देगा, इसलिए वो वेज भी कम देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एक डाउनसाइड भी है इसका, जो भी अबेंडेंस ऑफ लेबर है इसका, ठीक है। उसके बाद आते हैं जो आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद क्या होता है, सेलिंग का। मतलब स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो अपना हिस्से का जो हार्वेस्ट होता है वो रखने के बाद जो
रखने के बाद उनका जो उनके पास अपना खुद अपना जो पोर्शन होता है वो बहुत कम रहता है। अपना पोर्शन रखने के बाद जो बेचने का जो जो पोर्शन होता है वो बहुत कम रह जाता है मार्केट में, ठीक है। और लार्ज फार्मर्स का क्या है कि उनके पास तो ज्यादा प्रोडक्शन हुआ होगा तो जो मार्केट में बेच के उसका प्रॉफिट भी ज्यादा हुआ ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एक तरह से इनइक्वालिटी रहती है कि जो छोटे फार्मर्स है उनके पास बहुत ही कम रहता है अपने को अपना पोर्शन अपने पास रखने के बाद जो मार्केट में बेचने का जो रहता है वो बहुत कम रहता है उनके पास, ठीक है। और जो लार्ज फार्मर से उनका गुड प्रॉफिट होता है। चलिए, और रूरल एरिया में कुछ और भी एक्टिविटीज होती है, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं होता, मतलब ज्यादा लोग एग्रीकल्चर के साथ जुड़े होते हैं लेकिन और भी एक्टिविटीज होती है, जैसे कि डेयरी मतलब दुग्धालय की एक्टिविटी होती है जो पशुओं को चारा दे के और घास दे के जो भी दूध वो देते हैं उनको बेचा जाता है मंडी में, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट होता है जो भी हमने देखा वो फर्टिलाइजर का और घास का और हार्वेस्ट का ट्रांसपोर्ट ये सब कुछ उसमें आता है, ठीक है। और ये भी एक छोटा सा बिजनेस लोग चलाते हैं वहाँ पे, और स्मॉल शॉप्स होती है, स्मॉल प्रोविजन स्टोर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो भी ये चलाते हैं, ठीक है। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी होते हैं, जैसे कि मतलब कोई छोटा सा कोई लोहार हो या सूथार हो वो अपना प्रोडक्शन करते हैं, छोटे छोटे चीज़ें बनाते हैं। तो इस तरह से अदर एक्टिविटी भी गांव में होती रहती है। इन तरह से एक तरह से देखा जाए तो ये छोटी इकोनॉमी होती है ओवरऑल इनका, ठीक है। इनका नेट प्रोडक्टिविटी होती है वो भी थोड़ी सी कम रहती है, ठीक है। और दूसरा जो अब जो आता है हमारा जो चैप्टर आता है वो है पीपल एज अ रिसोर्स, मतलब ह्यूमन कैपिटल की बात करेंगे हम इसमें, मतलब जो हमारी कंट्री में मतलब जो लोग होते हैं जो काम करते हैं और हमारी कंट्री में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी बात है, उनको बोलते हैं हम ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। देखिए दोस्तों, किसी भी देश में ह्यूमन कैपिटल सबसे इम्पोर्टेंट होता है, दूसरा कोई रिसोर्स कम हो तो चलेगा, ह्यूमन कैपिटल को मैनेज करके दूसरे रिसोर्स की कमी को हम भरपाई कर सकते हैं। हम देखेंगे आगे कि जापान और ये कंट्री ये कैसे करता है, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स में अगर देखा जाए तो हम सोच सकते हैं कि अगर बड़ी पॉपुलेशन हुई तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि अगर आपके पास पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन उस पॉपुलेशन के पास कोई भी लिटरेसी नहीं है, कोई भी एजुकेशन नहीं है, वो पढ़ लिख नहीं सकते, कोई भी काम कोई टैलेंट नहीं है, कोई काम कोई स्किल नहीं है, कोई काम नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कंट्री के प्रोडक्शन में कुछ भी वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो ये पॉपुलेशन हो गई, तो ये लायबिलिटी हो गई रिसोर्स की जगह, ठीक है। तो सिर्फ पॉपुलेशन का होना एक ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, इसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट को एजुकेशन में, उनकी ट्रेनिंग में और उनकी हेल्थ में, हेल्थ केयर में मतलब मेडिकल केयर, उनकी हेल्थ मतलब उसके हेल्थ में इसको गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। उनको एजुकेट करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा, तभी वो पॉपुलेशन में से ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हम जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है हमारी, जो वर्क करते हैं, जो डेली हम देखते हैं, उनको हम ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे हम देखे जाते हैं। ये वर्किंग पॉपुलेशन अपनी अपनी स्किल्स के तौर पे वर्क करती है, जैसे कि सुथार होगा तो वो सुथारी काम करेगा, लोहार होगा तो वो लोहे का काम करेगा, अपनी अपनी स्किल से लोग काम करते हैं और कंट्री की जो नेशनल प्रोडक्ट है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है इसको हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। छोटे बच्चे को हम ह्यूमन रिसोर्स एक तरह से नहीं देख सकते, मतलब अगर कोई 3 साल का बच्चा हो तो एक तरह से तो वो मतलब कोई कंट्री में आपको काम तो नहीं कर रहा है, तो एक तरह से वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, वो पॉपुलेशन में काउंट होगा। इसके को बड़ा होने के बाद जो एजुकेशन मिलेगा और जो स्किल मिलेगी इसको देखने से मिलने के बाद जो भी उसका जो डेवलपमेंट होगा उसके बाद जो कंट्री के नेशनल प्रोडक्ट में वो कंट्रीब्यूट करेगा तब हम इसको ह्यूमन रिसोर्स गिनेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये है हमारा ह्यूमन कैपिटल, जैसे डॉक्टर्स है, जैसे वर्कर्स होते हैं फैक्ट्रीज के, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल होते हैं जैसे कि टेलर्स और कारपेंटर्स और जो टीचर्स होते हैं, वो सब हमारी कंट्री का एक ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है, वो सब काम करते हैं इसलिए। चलिए, तो जैसे कि हमने देखा कि लार्जर पॉपुलेशन होना एक हमारे पास एडवांटेज है, हमारी कंट्री में एक एडवांटेज है लार्जर पॉपुलेशन है, क्योंकि हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कन्वर्ट हो गया हो, कन्वर्ट हम कर सकते हैं उनको कि जो बड़ी
ह्यूमन रिसोर्स में, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, हमें जो एजुकेशन है और हेल्थ केयर है और ट्रेनिंग है उसमें हमें हमारे देश को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पर अभी हमारा दिमाग में थोड़ा क्या होता है पॉपुलेशन के दिमाग में, कि जो बड़ी पॉपुलेशन होती है ना उसको हम नेगेटिव तरीके से देखते हैं, क्योंकि क्या होता है कि नेगेटिव मतलब जो भी बड़ी पॉपुलेशन होती है वो जिस कंट्री में, वो कंट्री में थोड़ी पॉवर्टी ज़्यादा होती है, उस कंट्री की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, इस तरह से देखा जाता है। लेकिन इसके जो बेनिफिट्स है, जो जैसे कि मैंने बोला कि ये बहुत ही बड़े ह्यूमन रिसोर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इस बेनिफिट को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसी तरह से ये एक तरह से देखा जाए तो ये पॉपुलेशन को अगर हम हमारी गवर्नमेंट अगर और जो भी पॉलिसी ला के अगर इसमें इन्वेस्ट करती है तो जाहिर सी बात है कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स बढ़ेगा। चाइना ने ऐसे ही तो किया है, चाइना का ये बेस्ट एग्जांपल है। चाइना की जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत बड़ी है, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया। आज चाइना का नाम है प्रोडक्शन की दुनिया में, ठीक है। तो इसी तरह से हम भी ऐसा कर सकते हैं, इसीलिए हमें राइट पॉलिसीज की ज़रूरत होती है। चलिए, ये है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा। देखिए दोस्तों, जो भी जो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में जो अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बड़ा फैक्टर होता है, ये 2008 के बाद तो थोड़ी बढ़ गई और बाद में फिर से कम होने लगी। 2008 में क्राइसिस हुआ था इकोनॉमिक्स का, वो जो इकोनॉमिकल क्राइसिस हुआ था यूएसए में, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये था, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी थी हमारी कंट्री में फिर भी, और फिर बाद में 2013 के बाद जो गवर्नमेंट आई उसके बाद कंसिस्टेंटली जो भी पॉपुलेशन सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट थी वो कम हुई है, ठीक है। चलिए, जैसे कि हमने देखा कि एजुकेशन देने के बाद जो पॉपुलेशन को और बेटर हेल्थ में उसका इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो भी पॉपुलेशन होती है उसको हम एग्जिस्टिंग ह्यूमन कैपिटल में ऐड कर सकते हैं। मतलब पॉपुलेशन का हमने जैसे देखा कि पॉपुलेशन सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स में काउंट नहीं होती, उनको बेटर हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, बाद उसके बाद ही हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब बनाना, मतलब निर्माण करना। जैसे हमने बनाया ना, पॉपुलेशन तो थी ही हमारे पास, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन दिया, ट्रेनिंग दी, उनके हेल्थ का ख्याल रखा, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी की। इस तरह से जो होता है वो जो हम बोलते हैं, ये क्या हुआ, एक तरह से फॉर्मेशन हुआ हमारे ह्यूमन कैपिटल का, ह्यूमन कैपिटल बढ़ा हमारा, ठीक है। हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं आईटी रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब हमारे बेंगलोर में और दिल्ली में आज बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां हैं, वो किसका उदाहरण है, वो इसी का तो उदाहरण है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी स्किल्स से सर्विस दे रहे हैं आईटी सेक्टर में, ठीक है। तो ये एक इसका बेस्ट उदाहरण है। जैसे कि मैंने बोला ना, ह्यूमन कैपिटल किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर होता है, सबसे बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि इसको मैनेज करके हम बाकी के जो रिसोर्सेज है हमारे, जो बाकी के जो फैक्टर्स है उनको हम कंपेंसेट कर सकते हैं, ठीक है। हम जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ह्यूमन कैपिटल के बिना किसी भी और रिसोर्सेज का हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि हम देखते हैं भूमि, अगर हमारे पास भूमि है लेकिन श्रम नहीं है, हम कैसे यूज़ करेंगे, नहीं कर सकते। तो ह्यूमन कैपिटल होता है, ये एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है। इसीलिए तो गवर्नमेंट इस पर सबसे ज़्यादा भार देती है, एजुकेशन और हेल्थ केयर, इसमें ये गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी रहती है। क्यों? क्योंकि इनको ह्यूमन कैपिटल का जो होता है वो उसको मैनेज करना होता है, ठीक है। फिर भी आज हमारे नेगेटिव कन्नोटेशन, मतलब जैसे कि मैंने बोला कि लार्ज पॉपुलेशन को एक नेगेटिव तरीके से देखा जाता है, ठीक है। नकारात्मक एक धारणा है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो गई तो उस कंट्री में थोड़ा पॉवर्टी और ये सब चलता है, ठीक है। तो एक नेगेटिव धारणा हो गई, लेकिन इसको जैसे कि मैंने बोला, इसको हम राइट पॉलिसीज के माध्यम से, राइट इन्वेस्टमेंट और पॉलिसीज के माध्यम से गवर्नमेंट इसको लार्ज ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर सकती है, ठीक है। ये एक इसका बेनिफिट है। अब हम देखते हैं कि ये जो एजुकेटेड ह्यूमन कैपिटल होता है, एजुकेशन का महत्व क्या होता है ह्यूमन कैपिटल में, कि एजुकेशन में जो एजुकेटेड होता है ह्यूमन कैपिटल, वो हायर इनकम कमा के और हायर इनकम भी कमाता है और सोसाइटी को भी ये प्रॉफिट देता है। मतलब हायर इनकम खुद तो कमाता है, उससे क्या होगा कि उसकी अपनी लाइफस्टाइल अच्छी होगी और सोसाइटी भी उनसे जो गेन करती है, सोसाइटी को भी इनडायरेक्ट प्रॉफिट मिलता है ऐसे एजुकेटेड ह्यूमन कैपिटल से।
ठीक है, क्योंकि कैसे होता है ये एजुकेटेड जो सोसाइटी होती है ना, उनका माइंडसेट डिफरेंट होता है, उनका ग्रोथ माइंडसेट होता है, आगे बढ़ने का माइंडसेट होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है अनएजुकेटेड माइंड से, ठीक है। और एजुकेटेड जो माइंड होता है, जो एजुकेटेड सोसाइटी होती है, उसको खुद को भी पता होता है कि वो जो कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एजुकेटेड सोसाइटी के लोग अपने बच्चों को भी एजुकेशन देंगे आगे, ठीक है, और एजुकेशन अपने बच्चों को देंगे तो उनके बच्चे भी एजुकेशन के बारे में और जो जो भी मतलब फैक्टर्स है इकोनॉमी के, उनके बारे में अवेयर होंगे। तो इससे क्या होगा कि एक साइकिल क्रिएट होगी प्रोडक्टिविटी की, कंट्री में इकोनॉमी आगे बढ़ेगी इस तरह से, ठीक है। इस तरह से एक सोसाइटी भी गेन करती है किसी भी कंट्री में एजुकेटेड ह्यूमन कैपिटल से, ठीक है। एजुकेशन जो होते हैं ना, उससे उससे लेबर की क्वालिटी में इंक्रीज होता है, मतलब उसकी लेबर की जो क्वालिटी होती है उसमें भी इंक्रीमेंट होता है। कैसे, अगर आज कोई अनएजुकेटेड लेबर है, मतलब आज कोई मजदूर है, अनएजुकेटेड मजदूर है, उसको कुछ भी नहीं आता है पढ़ना लिखना, तो वो कोई भी काम करेगा, मतलब लोअर लेवल का काम भी करने लगेगा। अगर उसको एजुकेशन दिया जाए, कोई भी स्किल इम्पार्ट की जाए, तो उससे क्या होगा, उसकी जो काम करने की जो जो पद्धति है वो बदल जाएगी, वो उससे अच्छे काम करेगा, उस जो अपने स्किल के हिसाब से वो जो जो अपनी उच्च उच्च कक्षा की सर्विस होगा वो देगा। तो उससे क्या होगा, अपनी भी इनकम बढ़ेगी उसकी, वो उसकी वो जो नेशनल प्रोडक्ट होगी उसमें भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि शिक्षा जो होती है ना, श्रम की गुणवत्ता में भी वृद्धि करती है, ठीक है। जाहिर सी बात है, हम देख सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर लोअर लेवल की पोजीशंस होती है तो उनका एजुकेशन भी थोड़ा सा कम रहता है, और हायर लेवल की जब पोजीशन होती है उनका एजुकेशन भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये होता है एजुकेशन का एक लेवल जो क्वालिटी में भी एड करता है एजुकेशन लेबर की, ठीक है। एजुकेटेड जो ह्यूमंस होते हैं वो अपने आप में भी हेल्थ और एजुकेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयर होते हैं, मतलब उनको पता होता है कि एजुकेशन का और जो हेल्थ होती है, स्वास्थ्य का महत्व क्या है, तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को भी वो प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है लॉन्ग टर्म में, इसके लॉन्ग टर्म में इनका जो भी जो मतलब लॉन्ग टर्म का ये प्रॉफिट रहता है इकोनॉमी में, ठीक है, क्योंकि उनके बच्चे भी आगे जाके अपने बच्चों को ये सब कुछ देंगे। तो एक तरह से ये मैंने जैसे बोला ना, ये साइकिल क्रिएट होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ती है और प्रोडक्टिविटी भी लॉन्ग टर्म में बढ़ती है हमारी इकोनॉमी की, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि कंट्री में वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज होना जरूरी नहीं है कि किसी को आगे पढ़ाए, ठीक है। हमारे पास ह्यूमन कैपिटल है तो मतलब किसी कोई भी देश अगर जो भी डेवलप्ड कंट्री है तो इसका जरूरी नहीं है कि उन लोगों के पास ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हो, ठीक है, ज्यादा लैंड हो और ज्यादा जो भी मिलते हैं, मतलब सपोज मिनरल्स हो, तो ये सब कुछ जरूरी नहीं है कि उनके पास एबंडेंस में हो। उनके पास जो भी ह्यूमन कैपिटल होता है उनको भी मैनेज करके वो आगे बढ़ सकता है। जैसे कि जापान जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को इम्पोर्ट करता है, हाँ मैं आपको बता दूँ, वो इम्पोर्ट करता है ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन वो क्या करता है, इसका जो कंपेंसेशन है वो किस में करता है, ह्यूमन रिसोर्स में। वो अपने मानव संसाधन में भारी निवेश करते हैं, उनका एजुकेशन अच्छा होता है, उनका हेल्थ केयर अच्छा होता है, उनका जो भी वो क्या कहते हैं हम, जो भी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो इससे क्या होता है, उनको हायर रिटर्न मिलता है, एंड में सबसे अच्छा रिटर्न मिलता है। तो इससे क्या हम पता लगा सकते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज अगर हो तो अच्छी बात है कंट्री के पास, अगर नेचुरल रिसोर्सेज ना भी हो तो भी वो ह्यूमन कैपिटल जो होता है उसका, ह्यूमन रिसोर्स होता है उसका मैनेजमेंट करके वो आगे बढ़ सकता है, ठीक है। मतलब डेवलप्ड होने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, एबंडेंस में होना, ठीक है, प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन कोई प्री रिक्विजिट नहीं है डेवलपमेंट का। जैसे कि हम देख सकते हैं इस मैप में, जो यूएस है, जापान है, ठीक है, और ये सब कंट्री है, डेवलप्ड कंट्रीज है, ये यूरोपियन कंट्रीज है, उनका जो नेचुरल रिसोर्सेज का परसेंटेज ऑफ जीडीपी में रेशियो होता है वो बहुत कम रहता है, देखिए, ठीक, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उनके वो बहुत ही जीडीपी के बहुत ही कम परसेंटेज में होते हैं, फिर भी वो डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि नेचुरल रिसोर्सेज प्री रिक्विजिट नहीं होते हैं हमारी कंट्री में, किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट के लिए। अब आते हैं हम पीपल जो एक्टिविटीज़ करते हैं उनके डिवीज़न पे, कि हम जो वेरियस एक्टिविटीज़ करते हैं लेकिन उनको थ्री मेन सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। वो पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा होता है टर्शियरी सेक्टर। इन सेक्टर्स में
इन सेक्टर्स में क्या इंक्लूड होता है? पहला सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, इसमें होता है एग्रीकल्चर, मतलब जो भी हमने आगे पहले चैप्टर में देखा ना कि कृषि और बाद में फॉरेस्ट्री मतलब वानिकी बोलते हैं उसको, एनिमल हस्बेंड्री मतलब जो पशुपालन, फिशिंग जो मत्स्य पालन, पोल्ट्री फार्मिंग मतलब मुर्गी पालन, माइनिंग, खनन और क्वारिंग उत्खनन, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आता है। प्राइमरी सेक्टर का एक मतलब क्या, प्राइमरी सेक्टर क्या क्या रोल होता है हमारी इकोनॉमी में, ये ना बहुत ही ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होता है, मतलब लेबर बहुत ज़्यादा होता है, इनकम इसमें से कम होती है, ओवरऑल इनकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी कम रहती है, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर, इसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग, जो उत्पादन मैंने बोला ना वो, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर में क्या आती है, वेरियस सर्विसेज आती है। टर्शियरी सेक्टर का क्या होता है, ये एक स्किल बेस्ड सेक्टर है, लोगों की स्किल इसमें यूज होती है, ठीक है, और इसकी इनकम ये सब ज़्यादा होती है इन लोगों की, क्योंकि वो स्किल के तौर पर वर्क कर, स्किल बेस्ड पर वर्क करते हैं और दूसरों को अपनी जो भी सर्विसेज होते हैं वो देते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ होती है वो अपने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जो भी वो कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। जो स्किल होती है वो इसमें बहुत ज़्यादा स्किल्स नहीं चाहिए, जो एग्रीकल्चर और इसमें सब बहुत ज़्यादा स्किल्स नहीं चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में भी मॉडरेट लेवल की स्किल्स हो तो ठीक होगा, ठीक है। लेकिन टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है, बहुत ही हाईली स्किल्ड लोग काम करते हैं। अब इन एक्टिविटीज़ को फिर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पहली होती है मार्केट एक्टिविटी मतलब बाजार वाली गतिविधियाँ, दूसरी है नॉन मार्केट एक्टिविटी मतलब गैर बाजार वाली गतिविधियाँ। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ कि मार्केट एक्टिविटी जो है उसमें क्या है कि जो हम प्रॉफिट के लिए जो भी गतिविधियाँ होती है, प्रॉफिट या पे, ठीक है, मैं आज काम करने जा रहा हूँ, मतलब मैं सपोज कोई प्लम्बर होता है वो काम करने गया तो वो क्या रिटर्न में उसकी एक्सपेक्टेशन होगी कि उसको उसको पैसा मिलेगा, उसको पे मिलेगा, ठीक है, ठीक है। और वो जो जो भी कोई बड़ी कंपनियां होती है वो कोई प्रोडक्ट बेचती है उसका क्या होता है कि उसको प्रॉफिट मिलेगा इस प्रोडक्ट में से, ठीक है। तो ये हो गई एक बाजार वाली गतिविधि, जो भी प्रोडक्शन किया उसने वो किसके एक्सपेक्टेशन में किया, प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशन में। और नॉन मार्केट एक्टिविटी उसमें ऐसा कोई प्रॉफिट का या पे का एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि कोई किसान है वो जो भी क्रॉप उगाता है वो अपने घर के लिए उगाता है, मतलब अपने साल के साल भर उसका खाना चल, उसको खाना मिल सके उतना जो गेहूं वो उगाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि वो मार्केट में बेचने नहीं जा रहा है, वो अपने सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए ही सिर्फ वो गेहूं को उगा रहा है। तो ये क्या हो गई, एक नॉन मार्केट एक्टिविटी हो गई जिसमें प्रॉफिट और पे नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं जो डिफरेंट डेवलप्ड कंट्रीज है उसका जो पॉपुलेशन का जो इन्वॉल्वमेंट है तीनों सेक्टर में वो क्या रहता है। देखिए दोस्तों, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं ना उसमें जो टर्शियरी सेक्टर में पॉपुलेशन ज़्यादा लगी हुई होती है, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना वो डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी इनकम भी हाई होती है, पर इनकम कहाँ हाई होती है, टर्शियरी सेक्टर में, वो स्किल बेस्ड वर्क होता है। देखिए यूएसए में 75% पॉपुलेशन जो है वो सर्विस सेक्टर में जुड़ी हुई है, साउथ कोरिया भी एक डेवलप्ड कंट्री है उसमें भी अपनी 68% जो पॉपुलेशन है वो टर्शियरी सेक्टर में जुड़ी हुई है, जो यूके है वो भी जो डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, उसकी भी 81% जो पॉपुलेशन है वो टर्शियरी सेक्टर में जुड़ी हुई है, मतलब उसमें अपना लाइवलीहुड कमाती है, ठीक है। चलिए, और जो मार्केट एक्टिविटी है और नॉन मार्केटेड एक्टिविटी मैंने आपको समझाई, जो मार्केट एक्टिविटी में प्रॉफिट और पे का जो होता है वो इंटेंशन रहता है, और नॉन मार्केट एक्टिविटी में सिर्फ सेल्फ कंजप्शन के लिए, अपने स्व उपभोग के लिए उत्पादन होता है, जैसे कि मैंने आपको किसान का उदाहरण दिया था वैसे, ठीक है। चलिए, आज भी हमारी कंट्री में देखिए दोस्तों, जो वर्क होता है उसका एक डिस्टिंक्शन है, उसका एक अंतर रहता है, जो मैन और वुमन के द्वारा जो किया जाता है उसमें, ठीक है। जो डोमेस्टिक वर्क होता है हमें पता है, हमारे मम्मी जो होते मतलब मदर और आंटी और कोई भी वर्क करते हैं तो क्या होता है, वो एक डोमेस्टिक वर्क होता है, वो अनपेड होता है, ठीक है, वो उसका उनको कोई पैसा तो नहीं मिलता, कोई वेतन तो नहीं मिलता, ठीक है। तो इसको हम नेशनल इनकम में अकाउंट नहीं करते हैं, जो भी हमारी कंट्री के जो नेशनल इनकम रहता है, जो GDP GNP जो आते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, वो नेशनल इनकम के मेजर्स होते हैं, इसमें इनका कोई भी कैलकुलेशन नहीं होता है, ठीक है, जो भी डोमेस्टिक अनपेड वर्क होता है उनको, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो महिलाएं होती है उनका जो काम किया जाता है, जो अपने घरों के लिए जो भी सर्विस देती है, मतलब उनको कोई उसका पे नहीं मिलता है। ये एक डिस्टिंक्शन हुआ हमारे पुरुषों और महिलाओं के वर्क जो भी काम करते उसमें, ठीक।
और एक दूसरी भी जो भी महिला जो भी है वो पे के लिए काम करती है, मतलब जो भी प्रॉफिट के साथ भी काम करती है, उसमें भी क्या है कि वुमन को जो होता है कम वेजेस मिलते हैं, मतलब जो एम्प्लॉयर्स होते हैं ना वो वुमन को कम वेजेस देते हैं। ये एक पूरी ग्लोबल प्रॉब्लम है, सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरी ग्लोबल प्रॉब्लम है। एम्प्लॉयर्स जो होते हैं ना वो बहुत चालाक होते हैं, वो लूपहोल्स ढूंढ ही लेते हैं पॉलिसीज में और वुमन को कम पे करते हैं। ठीक है, ये ऐसे ऐसे केस होते हैं, वुमन को 50% कम सैलरी मिलती है सेम वर्क के लिए, ऐसे ऐसे भी केस होते हैं। ठीक है, और वुमन ट्रेडिशनली जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं होती वहाँ पे काम करती है, मतलब ऐसी ऐसी जो मतलब उसका एक रीज़न ये भी होता है कि जो ट्रेडिशनली उनको ज़्यादा एजुकेशन नहीं दिया जाता है, ऐसा एक ट्रेडिशनल होता रहता है हमारी सोसाइटी में कि वुमन को तो आगे जाके काम करना है इसलिए उनको ज़्यादा एजुकेशन नहीं दिया जाता, ऐसी एक मान्यता है जो कि एक बहुत ही पिछड़ी हुई मान्यता है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा इस मान्यता को दूर करने में। ठीक है, जो बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं होती, जो कि मैटरनिटी लीव और अदर सोशल सिक्योरिटीज भी नहीं होती, ऐसी जगह पे वुमन काम करती है। आज भी ये स्थिति प्रिवेलेंट है, मतलब प्रेजेंट है, प्रेजेंट में प्रिवेलेंट है। ठीक है, और वुमन जो हायर स्किल लेवल पे वर्क करती है, हायर एजुकेशन वाली वुमन होती है, उनको जो अपने जो मेल काउंटर पार्ट होते हैं उसके कमेंश्यूरेट लेवल पे ही पे किया जाता है। ठीक है, जो भी ये लोअर वेजेस वाली वुमन थी उनका एजुकेशन लेवल कम होगा, लेकिन जो हायर स्किल्ड वाली वुमन है जो आईटी सेक्टर में और ऐसे ऐसे बड़े बड़े सेक्टर में काम करती है, उनका उनका जो जो पे होता है वो हायर रहता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि उनका जो मतलब सिर्फ पॉपुलेशन होना ही काफी नहीं है, जैसे मैंने बनाया ना उसकी भी क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, उसका स्किल क्या है पॉपुलेशन में, ये सब उसकी क्वालिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास पॉपुलेशन है लेकिन वो उसमें से कोई लिटरेट नहीं है तो ये इस पॉपुलेशन का क्या मतलब, ये लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, इसकी जीवन प्रति ऐसा मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, अगर पॉपुलेशन में से ज़्यादातर लोग एवरेज 35 ईयर्स ही जीते हैं और पॉपुलेशन में से ज़्यादातर लोग एवरेज 60 ईयर्स जीते हैं, तो इसमें से कौन सी पॉपुलेशन अच्छी हुई है, 60 ईयर वाली ना, वो लॉन्ग टाइम तक अपनी कंट्री में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ठीक है, और बाद में आता है स्किल फॉर्मेशन, कंट्री के में पॉपुलेशन के पास कोई स्किल ही नहीं है कोई किसी भी काम करने के लिए, तो ऐसी पॉपुलेशन किस काम की। ठीक है, तो एक कौशल निर्माण भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में। ये तीन फैक्टर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिसाइड करते हैं कि ये कितने लिटरेट है और कितनी स्किल्ड है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए हमें जैसे मैंने बताया ना हेल्थ केयर में कंट्री को इन्वेस्ट करना पड़ता है, लिटरेसी रेट में भी क्या होता है मतलब एजुकेशन में भी कंट्री को इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, स्किल फॉर्मेशन में भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जैसे कि हमने पहले तीन फैक्टर्स देखे थे ना, एजुकेशन, हेल्थ केयर और ट्रेनिंग। ठीक है, तो एजुकेशन क्या करता है, जो है जो सोसाइटी होती है उससे ग्रो होती है कल्चरली, इकोनॉमिकली और सोशली, मतलब सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से कोई भी सोसाइटी है वो एजुकेशन के माध्यम से आगे बढ़ती है। लिटरेसी सिर्फ एक राइट नहीं है, मतलब कोई अधिकार नहीं है, वो एक नेसेसिटी है, उसके बिना कोई भी इकोनॉमी, कोई भी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, इसी तरह से लिटरेसी का एक हमारे देश में पहलू रहा है कि मेल जो होता है उसमें लिटरेसी ज़्यादा होती है फीमेल्स के कंपेरिजन में, और अर्बन एरिया जो होते हैं, सिटीज़, जो शहरी एरिया होता है उसमें लिटरेसी हायर रहती है रूरल एरिया से। ठीक है, चलिए लिटरेसी में हमने देखा होगा कि जो केरला है वो सबसे आगे, और जो बिहार और यूपी उस तरह के उस जो राजस्थान ये स्टेट है उसमें लिटरेसी का लेवल लो रहता है। तो हमने जाहिर सी बात है इसमें भी देखा है कि जहाँ लिटरेसी लेवल लो रहता है वहाँ पॉवर्टी ज़्यादा रहती है, ये एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ठीक है, इकोनॉमी में लिटरेसी का, जो हमारी कंट्री में जो वास्ट एक्सपेंशन किया है हमारी कंट्री ने प्राइमरी एजुकेशन का, प्राइमरी एजुकेशन स्कूलिंग सिस्टम का, इसने अपने जो भी बेनिफिट है वो तो दिए ही है, जैसे कि वो हमने देखा मिड डे मील स्कीम है, उससे क्या हुआ था, मिड डे मील स्कीम जब गवर्नमेंट ने अप्लाई की तब क्या हुआ कि जो लोग है अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में भेजने लगे, क्योंकि एक एक टाइम का उनको खाना मिल जाएगा उनके बच्चों को, तो क्या हुआ कि इनका जो अटेंडेंस रेशियो हुआ वो बढ़ गया। ठीक है, इससे उनको एजुकेशन भी मिला, क्योंकि अगर वो वहाँ जाएंगे तो वो पढ़ के भी आएंगे कुछ, तो ये इसका बेनिफिशियल रहा है कंट्री को, ये मिड डे मील स्कीम, मतलब ऐसी कई स्कीमें थी जो
कंट्री ने हमारी भारत देश ने अप्लाई इम्प्लीमेंटेशन में रखी और इससे इसका बेनिफिट भी मिला है हमारी कंट्री को, ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़े एक्सपांशन से क्या हुआ, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी एजुकेशन स्कूलिंग जो हमने ज्यादा से ज्यादा स्कूलिंग ऐसे खोले, तो इससे क्या हुआ एक पुअर स्कूलिंग भी देखने को मिला। मतलब क्या होता है कि टीचर्स की क्वालिटी कम हो गई, क्योंकि ज्यादा मात्रा में टीचर्स को रिक्रूट करने पड़े होंगे गवर्नमेंट को, ठीक है। और ड्रॉप आउट रेशियो भी ज्यादा बढ़ गया, मतलब स्कूल को छोड़ देना, ये जो ड्रॉप आउट रेशियो था ये भी एक बढ़ गया है जो स्कूलिंग का एक्सपेंशन हुआ प्राइमरी स्कूलिंग का, इससे तो ये एक ड्रॉबैक भी हुआ है हमारी कंट्री को इसका, ठीक है। चलिए, ये तो मैंने बताया केरला और ये सब स्टेट्स जो इसमें ज्यादा लिटरेसी रहती है। हमारी कंट्री में सर्व शिक्षा अभियान जो स्कीम थी वो लाई गई थी, मतलब ये गोल था हमारे देश का कि जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं वो 2010 के आने तक जो भी ये सारे बच्चे जो इस ईयर के रेंज में, इस एज के रेंज में, उनको एजुकेशन मिलना चाहिए, ठीक है। सारे बच्चों को एजुकेशन मिल जाना चाहिए 2000 आने तक, ठीक है। चलिए, और हमारे जो प्राइमरी एजुकेशन स्कूलिंग के साथ साथ जो हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है उनका उनमें भी बढ़ोतरी हुई है, ये एक अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने एजुकेशन लिया है तभी तो वो हायर एजुकेशन में गए होंगे ना, प्राइमरी एजुकेशन लिया तभी तो वो हायर एजुकेशन में गए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये एक अच्छी बात है कि हायर एजुकेशन में भी बढ़ोतरी हुई है। चलिए, हेल्थ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, अब एजुकेशन के बाद हेल्थ का भी जो इम्पोर्टेंस होता है वो हम देखते हैं। गुड हेल्थ, जो हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होती ना तो वो हम, मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ, जब हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होती ना तब हम अपने मतलब अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते, अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम नहीं कर पाते। तो एक गुड हेल्थ रहना, हमारी गुड हेल्थ कायम बनी रहना, ये भी एक जरूरी बात है, ठीक है। तो हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कंट्री को क्या करना पड़ेगा कि इसको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसको टॉप प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा कंट्री को। इसके जो नेशनल पॉलिसी है हमारी उसमें भी सबको अच्छे से पहुंच मिले हेल्थ केयर की, उस पर जोर दिया जाता है। मतलब ये मतलब जो फैमिली वेल्फेयर और न्यूट्रिशनल सर्विसेज होती है, हेल्थ केयर सर्विसेज, वो सबको एक्सेस मिले, दूर दराज के सेक्शन, दूर दराज के गाँव और छोटे से छोटे सेक्शन को भी इसका एक्सेस मिले, ऐसा हमारा नेशनल पॉलिसी का एम है, ठीक है। तभी जाके इसका जो हेल्थ का जो ह्यूमन रिसोर्स के हेल्थ का जो इश्यू है वो सोल्व कर पाएंगे हमारी कंट्री, ठीक है। देखिए ये क्या, ये एक हमारी हेल्थ केयर की एक जो भी कंट्री जो स्टेट वाइज है वो एक स्टेटिस्टिक्स है, हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ में ज़्यादा नंबर ऑफ बेड्स है पर 1000 की पॉपुलेशन के हिसाब से, और जो जो एल्डरली पॉपुलेशन होती है उसमें ये मिजोरम और ये सब जो अरुणाचल ये सब अच्छे अच्छा स्कोर करते हैं, मतलब उनमें ज़्यादा नंबर ऑफ बेड्स है दूसरे स्टेट्स की हिसाब से, ठीक है। चलिए, अब जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये इतना बड़ा देश है हमारी, इतनी पॉपुलेशन है, ठीक है, तो उसमें जाहिर सी बात है ऑब्स्टेकल तो आएंगे होंगे, अनेक बाधाएं आई होगी। फिर भी हमारे देश में, फिर भी ये बात याद रखना है, ये सब जीएस में आता है, ये आप ये सब भी फैक्ट्स है हमारी कंट्री के, ये स्टेटिस्टिक्स एक तरह का, ये जीएस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। और आजकल तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है COVID-19 की सिचुएशन की वजह से कि हमारी कंट्री की जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, इंडिया ने फिर भी आज भी सक्सेसफुल है, इंडिया जो भी अपना जो वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्वास्थ्य अवसंरचना हम बोलते हैं, उसके निर्माण में सफल रहा है हमारा कंट्री। जो हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत ही सफलता, बड़ी सफलता हम कंट्री की गिन सकते हैं, ठीक है। भारत की जो जीवन प्रत्याशा है, जैसे कि मैंने बोला ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो भी बढ़कर आज 68.3 इयर्स हो गई है, ठीक। लेकिन जो भी हमने देखा इसमें एक डिस्पेरिटी है, मतलब एक तरह से इन इक्वालिटी हम गिन सकते हैं कि कुछ सेक्शंस को आज भी एक्सेस नहीं मिल रहा है। जो भी हमारा जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जो भी जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का वो रीच नहीं मिल पा रही है कुछ सेक्शंस है कंट्री के वहाँ पे। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूँ कि कुछ स्टेट्स है जो पुअर स्टेट्स है उनमें अभी भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, जबकि जो रिच स्टेट्स होते हैं उनमें वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। उनके लोगों को ज़्यादा अच्छे से हेल्थ केयर जो होती है
वो अच्छे से मिल पाती है। जनरली रिच स्टेट्स होते हैं, जो भी वेल्दी स्टेट्स होते हैं, वो अच्छे से अपनी जो स्टेट वाइज जीडीपी होती है अपने उसके ज़्यादा प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करते हैं, हेल्थ थोड़ा देखा जाता है। ठीक है, मैं आपको उदाहरण दूँ कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु को, इन चारों को सिर्फ मिला के ही सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस है हमारे कंट्री में, बाकी जो स्टेट्स है उसमें इन चारों के हिसाब से कम रहती है। डिस्पेरिटी हुई, इनइक्वालिटी नहीं बोल सकते, डिस्पेरिटी हुई, एक इम्बेलेंस हुआ हमारी कंट्री में। ठीक है, कि इन चारों स्टेट्स ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया होगा अपने हेल्थ केयर में, तो इस तरह से वो उनमें ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जीएसटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। ठीक है, इसमें हम बेसिक्स पढ़ेंगे, बाद में जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे वो रमेश सिंह में, और इसमें जब पढ़ेंगे वो स्टेटिस्टिकल डेटा और जो भी फैक्टर्स होते हैं ये सब भी पढ़ेंगे, अभी हम अनएम्प्लॉयमेंट का बेसिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हम कब बोल सकते हैं, कि किसी पर्सन को काम करना है प्रिवेलिंग रेट पे, मतलब अभी जो वेजेस, जो भी पैसे दिए जाते हैं वो काम के लिए जो प्रेजेंट में, ठीक है, उस वेजेस पे उसको काम करना है लेकिन उसको मिल नहीं रहा है वो काम। ठीक है, अगर वो विलिंगली उसे कुछ करना ही नहीं है कि नहीं मुझे कुछ काम ही नहीं करना है, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकते, लेकिन उसे काम करना है और नहीं मिल रहा है तो उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट गिनेंगे। ठीक है, जो हम एम्प्लॉयड पॉपुलेशन किसको गिनते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स में कौन सी पॉपुलेशन को गिनते हैं, जो 15 से 59 ईयर्स की जो पॉपुलेशन है, 15 से 15 या 9 ईयर्स के लोग हैं, उनको हम वर्क फोर्स में काउंट करते हैं, क्योंकि ये लोग होते हैं वो काम कर सकते हैं, इनसे छोटे जो बच्चे होते हैं वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, इनसे बड़े जो लोग होते हैं 60 ईयर्स, 65 ईयर्स, वो लोग भी वो अब मतलब वो एल्डर एज में एल्डर गिने जाते हैं। ठीक है, वो भी काम नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो ठीक है, लेकिन वो काम इस तरह एक तरह से नहीं कर सकते। ठीक है, पर अनएम्प्लॉयमेंट में भी हमारे कंट्री में क्या है कि एक रूरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है और दूसरी अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट होती है, दोनों का नेचर डिफरेंट होता है, दोनों मतलब ऐसे ही नहीं कि दोनों भी सेम अनएम्प्लॉयड पीपल होंगे, नहीं इस तरह से नहीं होता, दोनों की प्रकृति होती है वो डिफरेंट होती है, भिन्न होती है उनकी प्रकृति। देखते ही क्या होता है, रूरल इंडिया में क्या होता है, ग्रामीण भारत में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, मतलब ऋतुगत अनएम्प्लॉयमेंट हम कहते हैं, मौसमी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, मतलब कुछ मतलब एक ईयर में कुछ मंथ के दौरान उनके पास काम रहता है, मतलब अगर कोई भी क्रॉपिंग जो होता है, मतलब कोई किसान ने किसी को एम्प्लॉय किया कि इस जो राबी क्रॉप है इस राबी क्रॉप का हार्वेस्ट तक तुम्हें एम्प्लॉय करता हूँ, ये सब काम तुम करना, किसी भी मजदूर को ये कहता है, तो ये क्या करेगा, 6-7 महीने के लिए इसके पास जो एम्प्लॉयमेंट होगी वो 6-7 महीने तक कमाएगा, उसके बाद उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, तो ये हो गई एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो पीपल जो होते हैं वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकती, जॉब नहीं मिलती, तो ये होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, दूसरा होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब प्रचंड बेरोजगारी, ये दिखती नहीं है लेकिन होती है, इसका मतलब ये हुआ। तो ये हम देखते हैं कैसी होती है, इसमें जो पर्सन होता है ना वो दिखता तो है कि वो एम्प्लॉयड है। ठीक है, मतलब मैं आपको उदाहरण दे के दूँ कि कोई जो एक ही फैमिली में 7 मेंबर है, वो 7ों के 7ों अपनी ही एक ही फार्म में काम करते हैं, उस फार्म में ज़रूरत सिर्फ 4 लोगों की है, लेकिन कर कितने रहे, 7 लोग, तो जो भी 3 लोग हुए वो एक्स्ट्रा हुए ना, वो भी काम तो कर रहे हैं लेकिन वो एक तरह से देखा जाए तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं नेशनल प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये जो 3 लोग हैं वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, डिसगाइज्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें इनको गिना जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि 3 पीपल है उनको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट गिना जा सकता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये इसका ग्राफिकल पिक्चर है, देखिए ये 5 लोग इसमें काम कर रहे हैं, 5 लोगों की जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन 5 काम कर रहे हैं, इसमें सिर्फ 2 लोगों की जरूरत होगी पूरी खेत को, जो वो तो ये जो ऑक्सीजन है और जो ये पूरा, ठीक है, उनको चलाने में सिर्फ 2 लोगों की ही जरूरत होगी, लेकिन 5 काम कर रहे हैं, तो ये 3 हुए ना वो अनएम्प्लॉयमेंट में गिने जा सकते हैं। ठीक है, अब अर्बन एरिया में क्या होता है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ग्रामीण क्षेत्र में तो ठीक है कि लोग ज़्यादा शायद एजुकेटेड नहीं होंगे, लेकिन शहरी क्षेत्र में क्या होता है, उनका एजुकेशन तो अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी उनको जॉब नहीं मिल पाती। इससे क्या होता है, अब लोग मास्टर्स तक पढ़ते हैं, पीएचडी तक पढ़ते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी तक पढ़ते हैं, फिर भी उनको जॉब नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बुरी हालत है आज भी हमारी कंट्री में। ठीक है, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के एफर्ट्स के बाद भी ये एक हमारी बुरी जो भी स्थिति देखी जा सकती है। ठीक है, हायर एजुकेशन में भी एक
ये हायर एजुकेशन का जो सेक्टर है ना, उसमें ये हायर है। मतलब ये एक कैसी, मैं आपको बताता हूँ कि अगर जो पढ़े लिखे में हम मैट्रिक मैट्रिक वाले तक गिनते हैं, और बाद में हम क्या वो उदाहरण लेते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट वाला है, पोस्ट ग्रेजुएट वाला है, उसमें इसमें अगर 100 लोग मैट्रिक तक पढ़े और इसमें 100 लोग जो पोस्ट ग्रेजुएट उसमें पढ़े, ठीक है, इसमें से सिर्फ 20 लोग ही अनएम्प्लॉयड है, लेकिन इसमें से 60 लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये भी एक डिस्पेरिटी हुई, ठीक है। जो हायर एजुकेशन है उसमें हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, जो लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन है ना उसमें लोअर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे कि इसमें मैंने लिखा है हायर एजुकेशन सेक्टर में हायर अनएम्प्लॉयमेंट देखी जा रही है, ठीक है, तो ये भी एक तरह की पैराडॉक्सिकल फेनोमेना है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो ये क्या बताता है हमारी कंट्री में, एक कैटेगरी में सरप्लस मैन पावर है, एक कैटेगरी में सरप्लस मैन पावर है और एक कैटेगरी में शॉर्टेज है मैन पावर की, ठीक है। शॉर्टेज कहाँ हुई, जो वो मैट्रिक्स वाले मैट्रिक वाले थे उसमें थोड़ी सी शॉर्टेज हुई ना, उसमें जो 20 लोग ही अनएम्प्लॉयड है। जो सरप्लस कहाँ हुआ, जो पीजी वाले थे, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट में जो हायर अनएम्प्लॉयमेंट हमने देखी उदाहरण के तौर पे, उसमें ज्यादा सरप्लस मैन पावर है क्योंकि वो ज्यादा काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, मतलब ज्यादा लोग अवेलेबल मिलेंगे काम करने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक तरह की पैराडॉक्स हुआ हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट के एस्पेक्ट में, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट का एक जो भी रिजल्ट क्या होता है, वेस्टेज ऑफ मैन पावर होता है, ठीक है। जो अनएम्प्लॉयड लोग है वो उनकी उम्र तो बढ़ी जा रही है, वो कंट्री के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं लेकिन वो कंट्रीब्यूट कुछ नहीं कर रहे कंट्री की इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक लायबिलिटी बन जाते हैं, संपत्ति से देनदारी में बदल जाते हैं जब उनको जॉब नहीं मिलती तो, क्योंकि वो देश के संसाधनों का तो उपयोग कर रहे हैं लेकिन अपनी जो सीमा है, लेकिन अपनी लिमिटेशन है, जो जॉब नहीं मिल पा रही उसके कारण वो कंट्री में योगदान कुछ नहीं दे पा रहे हैं, वो समझे, ठीक है। इससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था पर बोझ आ जाता है, हमारी कंट्री में अर्थव्यवस्था पर बोझ आ जाता है, क्योंकि क्या होता है रिसोर्सेज कैसे, जो कंट्री के रिसोर्सेज कैसे बनते हैं, जो वो टोटल पॉपुलेशन होती है उनकी इनकम में से रिसोर्सेज बनते हैं, लेकिन ये अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो फिर कुछ भी कंट्रीब्यूट तो करते नहीं है लेकिन फिर भी हमारी कंट्री के जो रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज करते हैं, ठीक है। तो इससे अर्थव्यवस्था पर बोझ आता है, ठीक है। जो इससे क्या होता है, उनके फैमिलियों को बेयर सब्सिस्टेंस लेवल पर रहना पड़ता है, केवल निर्वाह उनका, मतलब हम प्रॉफिट नहीं गिन सकते, जो भी उनको जितना जितना जरूरी होता है उन पर ही वो रहते हैं, कुछ ज्यादा अच्छे से लाइफस्टाइल वो नहीं जी पाते हैं, ठीक है। मतलब ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, ज्यादा इनकम नहीं होती इनकी, ज्यादा अच्छी लाइफस्टाइल नहीं रख पाते हैं वो लोग, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक कंसीक्वेंस ये भी होता है कि जो उनकी हेल्थ कंडीशन होती है, स्वास्थ्य स्थिति जो होती है वो भी डिक्लाइन होती है, ठीक है। वो अच्छा मतलब लाइफस्टाइल नहीं जी पाते हैं, उनकी लाइफस्टाइल भी अच्छी नहीं होती, लाइफस्टाइल हैबिट्स जो बोलते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, उसकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में कमी आती है ऐसे फैमिली में, जो कि जिसमें अनएम्प्लॉयड लोग ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट का एक जो मनोवैज्ञानिक पहलू भी है, मतलब साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट भी इनका एक रहता है, मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग होते हैं उसका एक कॉन्फिडेंस लो रहता है, ठीक है, लॉन्ग रन में उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, एक होपलेसनेस मतलब निराशा की स्थिति उनके पास पैदा होती है, ऐसा एक मतलब सिचुएशन क्रिएट होता है उनकी लाइफ में, ठीक है। सामाजिक तौर पे भी देखा जाए तो वो भी एक सोसाइटी पे एक बर्डन की तरह देखा जाता है ऐसे इंसान को, ठीक है, कि ये इंसान से दूर ही रहना अच्छा होता है, ये एक बोझ कहलाता है ऐसा इंसान समाज में, ठीक है। ये एक साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट है, जैसे कि हमने देखा ना कि अनएम्प्लॉय हम देखते हैं अभी ग्राफिकल रूप से कि इम्पेक्ट क्या रहता है अनएम्प्लॉयमेंट का, नेगेटिव फीलिंग्स होती है उस इंसान में डेली, वो नेगेटिव सोचता रहता है, उसका फाइनेंशियल इम्पेक्ट होता है, वो ज़्यादा उसके पास पैसा नहीं होता खर्च करने के लिए, ठीक है, उसका फैमिली भी इससे सफ़र करता है, सेंस ऑफ पर्पस जो होता है उसका लाइफ जीने का, उसका कोई पर्पस नहीं रहता कि उसको मतलब कोई रीज़न नहीं है उसके पास, काम नहीं है मतलब उसके पास रीज़न नहीं है कोई लाइफ का, कोई पर्पस नहीं है, ठीक है। उसका एटीट्यूड जो होता है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में वो बदल जाता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेली मतलब लोग बातें करते हैं, ठीक है, ये सब कुछ उसको सपोर्ट जो होता है उसको चाहिए, मतलब मेंटल सपोर्ट उनको चाहिए, ये इसका भी उसको जजमेंट फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब एक साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, मतलब ओवरऑल बहुत ही खराब स्थिति ये अनएम्प्लॉयमेंट पैदा करती है, उसमें इकोनॉमी भी डिप्रेस हो जाती है ना, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है तो इकोनॉमी में भी स्लो डाउन होता है, डिप्रेस हो जाती है, ठीक है। मैन पावर बर्डन हो जाता है कंट्री में, लायबिलिटी बन जाता है, जो गेनफुली एम्प्लॉयड हो सकता था, लाभकारी रूप से कंट्री में नियोजित हो सकते हैं वो अब बोझ बन गए, तो
तो इससे क्या हुआ, अर्थव्यवस्था उदास हो जाती है, मतलब डिप्रेस हो जाती है। स्टेटिस्टिकली भी, मतलब सांख्यिक रूप से भी भारत में अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे देखा जाए तो कम है, क्योंकि क्या है, लोग एम्प्लॉयड तो है, ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है, लेकिन क्या है, उनका वेजेस जो होता है वो कम होता है। तो ओवरऑल देखा जाए ना, तो उनकी लाइफस्टाइल वहीं की वहीं रहती है, वो एम्प्लॉयड तो है स्टेटिस्टिकली, हम गाणितिक और सांख्यिक रूप से देखें तो वो एम्प्लॉयड है, लेकिन उनकी जो ओवरऑल वेजेस और लाइफस्टाइल होती है वो अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो एक तरह से ये अनएम्प्लॉयड रहते हैं, मतलब उनकी जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है वो वहीं का वहीं स्टेग्नेंट रहता है, स्थिर रहता है, ठीक है। तो जो वो वर्क करते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव भी नहीं होता, ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्टिव वर्क नहीं होता, उसमें कोई ज़्यादा वेजेस नहीं मिलते, वो इस तरह का काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या रहते हैं, वो पॉवर्टी की साइकिल में फंसे रहते हैं, जो मतलब उनका पास अगर ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, ज़्यादा इनकम नहीं होगी, ज़्यादा अच्छा काम नहीं करेंगे, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे तो ज़्यादा रिसोर्स नहीं होंगे उनके पास, ठीक है। तो ये एक पॉवर्टी की साइकिल क्रिएट होती है, इसमें इस पॉवर्टी की साइकिल को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट को काम करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट को, और पर्सन को भी अपने आप उसमें निकलने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। हम अभी क्या चल रहा है, जो एक माइग्रेशन का ट्रेंड है हमारी कंट्री में, कि रूरल में से अर्बन में लोग जा रहे हैं काम की अपेक्षा में, मतलब एग्रीकल्चर का तो क्या है कि वो सीजनल कभी कभी रहता है, कभी कभी अच्छा वो उसमें प्रॉफिट नहीं भी मिलता है किसानों का जो हम देखते हैं ना कि हमारी कंट्री के किसान पुअर ज़्यादा रहते हैं, वो इसी वजह से रहते हैं कि उसमें हमारी कंट्री की एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहती है। वो अपनी कंट्री में फूड सिक्योरिटी का तो जो इश्यू है उस वो तो सोल्व हो गया है अभी, लेकिन उसका किसानों को कोई ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं, जो ज़्यादातर किसान है वो रूरल से अर्बन इकोनॉमी में जाते हैं, वहाँ पर कोई काम की अपेक्षा में वो जाते हैं, ठीक है। अब पॉवर्टी की साइकिल हम देखते हैं, पॉवर्टी कैसे साइक्लिक होती है, मतलब जो भी जो पुअर होते हैं वो क्या होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, ठीक है, तो वो कोई भी काम में एंगेज हो जाते हैं, कोई भी काम करने लगते हैं, मतलब जो भी लोअर वेजेस वाला काम होगा वो भी वो करने लगेंगे डेली बेसिस पे। तो ये एक साइकिल क्रिएट होगी, वो और भी और गरीब होते जाएंगे, ये एक साइकिल हुई, ठीक है। गवर्नमेंट को इसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं बहुत ही बड़ी मात्रा में, ठीक है, जो मतलब एजुकेशन देना और उनको मतलब स्किल वाले जो भी कोई स्कीम लाना, स्किल के लिए जो स्किल इंडिया मिशन है जैसे गवर्नमेंट लाई है, ठीक है, ये गवर्नमेंट्स के एफर्ट्स है इस दिशा में कि इस पॉवर्टी की साइकिल को तोड़ा जाए। तो जो भी ज़्यादातर लोग हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो हमारी वो ग्रोथ करे इकोनॉमिकली और सोशली दोनों तरह से, ठीक है। और जो भी गवर्नमेंट्स ने आज तक एफर्ट्स लगाए उसमें कुछ एफर्ट्स सक्सेसफुल रहे हैं, कुछ एफर्ट्स सक्सेसफुल नहीं भी रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सब कुछ, ये पॉवर्टी की साइकिल रहती है। अब हम पॉवर्टी के बारे में, ये पॉवर्टी भी जीएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है, स्पेशली इंडिया के कंटेक्स्ट में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को पॉलिसीज फ्रेम करने में मदद मिलती है पॉवर्टी के स्टेटिस्टिक्स जानने के बाद, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ये अभी हमने बेसिक्स पढ़ा है, आगे जाएंगे तो हम इसमें डीप लेवल में अब सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमने पॉवर्टी की साइकिल देखी ना, मैंने बताई आपको, जो चाइल्ड होता है वो पॉवर्टी में ग्रो करता है, तो क्या उसका एजुकेशन भी इतना अच्छा नहीं होगा, इससे उसको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, इससे क्या होगा, वो पॉवर्टी की साइकिल में फंस जाएगा, इससे उसका जो अपना फैमिली होगा वो भी पुअर होगा, इससे जो अपना बच्चा होगा वो भी फिर से पॉवर्टी में जन्म लेगा। तो इस तरह से पॉवर्टी की साइकिल चलती रहती है, ठीक है। इससे इसको जैसे मैंने बताया ना, इसमें से निकलने के लिए गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। अब हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का जो संदर्भ है हमारा, अनएम्प्लॉयमेंट का जो भी मतलब तीनों सेक्टर के बारे में, एग्रीकल्चर और सेकेंडरी सेक्टर और इनके कंटेक्स्ट में जो हम अनएम्प्लॉयमेंट है वो देखते हैं। एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लेबर होता है, जैसे मैंने बताया वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर होता है, लेकिन अभी क्या हुआ है कि कुछ जो हाल के वर्षों में क्या हुआ है कि जो ट्रेंड मैंने बताया ना, माइग्रेशन का ट्रेंड, जो रूरल से अर्बन के मतलब रूरल से अर्बन तक जो भी माइग्रेशन का ट्रेंड है, उसके कारण जो एग्रीकल्चर में जो लेबर का जो भी बर्डन है ना वो थोड़ा कम हुआ है। सेकेंडरी सेक्टर में भी क्या है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, स्मॉल स्केल सेक्टर है, ठीक है, वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं, रिलायंस और ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं, लेकिन जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हम देखते हैं वो सबसे ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होती है, उसमें सबसे ज़्यादा वर्कर्स काम करती है,
उनका वेजी स्लो रहता है, ठीक है, और इससे इनकी प्रोडक्टिविटी साइकिल भी कम रहती है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें हम देखते हैं कि पीपल को एम्प्लॉयमेंट तो मिल जाती है, लेकिन वो एक तरह से अनएम्प्लॉयड कहे जा सकते हैं क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल वही के वही रहती है। चलिए सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, लोअर वेजेस होते हैं, ठीक है, वेजेस लो रहते हैं जैसे कि मैंने बताया। तो जॉब तो मिल जाती है, लेकिन उनकी जो अपनी इकोनॉमी है वो स्लगिश हो जाती है, धीमी हो जाती है, और उनका ग्रोथ भी होता है वो बहुत ही स्टेग्नेंट रह जाता है, स्थिर रह जाता है। इनफॉर्मल वर्क जो हम बोलते हैं, हमारी अनौपचारिक कार्य की जो भी वर्क करते हैं ना वर्कर, उनका ज़्यादातर कोई रिकॉर्ड नहीं होता, मतलब वो कुछ भी काम करते हैं, मतलब चलिए अगर जो वर्कर कोई भी फ्रूट सेलर है उनका, उनको सोशल सिक्योरिटी क्या है, कुछ उनकी कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी, उनको एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एक इनफॉर्मल इकोनॉमी हुई, उनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती हमारी, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल जो वर्क है ना वो भी हमारी कंट्री में बहुत ही बड़ा सेक्टर है, इनफॉर्मल वर्क, ठीक है। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना जानिए कि इनफॉर्मल वर्क हमारी कंट्री का एक बहुत ही बड़ा इश्यू है। ये भी आप ये भी GS3 का जो इकोनॉमी का जो टॉपिक है, मतलब इकोनॉमी का सब्जेक्ट है GS3 में, मीन्स में ये भी ये इनफॉर्मल वर्क भी इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, अनौपचारिक जो इकोनॉमी होती है वो, ठीक है। जो इनफॉर्मल वर्क फोर्स है हमारी, ये भी एक बहुत बड़ी इश्यू है हमारी कंट्री में। इससे वो क्या रहता है, हमारी कंट्री आज भी बहुत ही मतलब पिछड़ी हुई है हमारी इकोनॉमी, मतलब ये इश्यू है इनफॉर्मल वर्क का इसलिए, ठीक है। अगर हमारी गवर्नमेंट इसमें एफर्ट नहीं लगाती है तो वो वेस्ट हो जाएगा हमारा ह्यूमन कैपिटल, मतलब हम पॉपुलेशन तो है हमारी कंट्री के पास, लेकिन पॉपुलेशन भी ग्रो तो कर रही है ना, एज के हिसाब से पॉपुलेशन भी मतलब बूढ़ी तो हो रही है आगे आगे जैसे जैसे जाती है। तो गवर्नमेंट अगर कोई एफर्ट नहीं लगाती वो वेस्ट हो जाएगी, वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट नहीं होगी। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा कि एजुकेशन में और हेल्थ केयर सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दे के ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट मतलब इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी सी एजुकेशन देना पड़ेगा, और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी एक्सपांड करना पड़ेगा, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में भी क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो ज़्यादा से मतलब वो कम से कम वेजेस कमाते हैं, जो उनका भी प्रॉफिट होता है वो कम रहता है। बड़े फार्मर्स की बात नहीं है, जो स्मॉल फार्मर्स है 85% जो फार्मर्स है वो स्मॉल फार्मर्स है, उनसे क्या होता है जो हेवी एग्रीकल्चर सब्सिडीज देनी पड़ती है गवर्नमेंट को, वो क्या होती है इकोनॉमी को बर्डन करती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, जो वित्त होता है फाइनेंस होता है वो डाइवर्ट करना पड़ता है इसी सब्सिडी के साइड में, ठीक है। तो चलिए, तो इस तरह से आज हमने ये बेसिक्स पढ़े हैं, इस इकोनॉमी है उसके बेसिक्स हमने पढ़े हैं, ठीक है। आज जो हमने आज एक बेस क्रिएट किया है हमारी इकोनॉमी का, तो आज के डेमो लेक्चर में हम इतना रखते हैं। हमने पहले दो चैप्टर खत्म किए हैं, जब बाद में हम आगे तीसरे चैप्टर और चौथे चैप्टर में अगले डेमो लेक्चर में बात करेंगे।